जलता नहीं जलाने थे। दोस्तों आप लोगों को बॉलीवुड के मशहूर गायक मोहम्मद अजीज साहब और मनमोहन देसाई जी की जोड़ी तो याद ही होगा। इनकी जोड़ी ने 80 और 90 के दशक में खूब धमाल मचाया और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है, मोहम्मद अजीज साहब ने मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई के निर्देशन में भी काम किया है, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग मोहम्मद अजीज साहब और केतन देसाई जी के शानदार जोड़ी की शानदार गीतों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज साहब ने केतन देसाई जी की बस एक ही निर्देशित फिल्म है जिसमें अपनी आवाज दी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को 1986 की फिल्म अल्लाह रखा तो याद ही होगा और इस फिल्म में मोहम्मद अजीज साहब ने केतन देसाई जी के निर्देशित में कई गीत गाए। पहला है चाहे सोलो में जला दो चाहे दरिया में बहा दो, और इस गीत को मोहम्मद अजीज साहब और आशा भोसले जी की जोड़ी ने अपनी आवाज दी और ये गीत पिक्चराइज हुआ जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया पे। वैसे तो इस फिल्म का संगीत अन्नू मलिक साहब ने दिया और लिरिक्स राजेंद्र कृष्ण जी ने दिया और ये गीत 80 के दशक में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और आप लोगों ने गीत भी सुने ही होंगे। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में एक और बहुत ही खूबसूरत गीत गाया। गीत के बोल हैं अल्लाह रखा उमा मैं अल्लाह रखा, और ये गीत भी पिक्चराइज हुआ जैकी श्रॉफ पे और बहुत ही बढ़िया संगीत अन्नू मलिक साहब ने दिया। फिल्म का तीसरा गीत है जो कि इस फिल्म की जान है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को गीत परवर दिगारे आलम मोहताज हैं तेरे हम तो याद होगा, और इस गीत को मोहम्मद अजीज साहब ने केतन देसाई जी के निर्देशन में अपनी आवाज दी और बहुत ही बढ़िया संगीत अन्नू मलिक साहब ने दिया। और खास बात यह है कि इस गीत को मोहम्मद अजीज साहब ने सम्मी कपूर साहब के लिए अपनी आवाज दी। दोस्तों इस फिल्म में बस मोहम्मद अजीज साहब ने तीन ही गीत गाए हैं और परवरदिगारे आलम गीत को अलग अलग पार्ट में अजीज साहब ने अपनी आवाज दी है। और दोस्तों बात करें मोहम्मद अजीज साहब और केतन देसाई जी की, तो बस ये एक ही फिल्म है जिसमें मोहम्मद अजीज साहब और केतन देसाई जी की जोड़ी ने एक साथ काम किया है, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मोहम्मद अजीज साहब और केतन देसाई जी की जोड़ी जो है वो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।